ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद से देश में सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और साथ ही सीबीआई जांच का विरोध भी। पिछली सरकारों में रहे तीन रेल मंत्री अब तक केंद्र सरकार की बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर एतराज जता चुके हैं। कांग्रेस हो या टीएमसी, दोनों साफ कर चुके हैं कि सीबीआई अपराध से जुड़े केसों की जाँच करती है और रेल हादसे कोई आपराधिक मामला नहीं। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद एक टीम 6 जून को घटना स्थल पर पहुंची। सीबीआई टीम ने रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और साथ ही दूसरे पहलुओं को भी देखा। सीबीआई के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अपने हाथ में लेते ही कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा है। सीबीआई का ये काम है कि सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है, क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जाने थे वो क्यों नहीं भरे गए, क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है, लोको चालकों की कमी क्यों है। आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है। 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई, तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि ये सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सीबीआई जांच का विरोध कर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा, बालासोर ट्रेन दुर्घटना में रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट से पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई, ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरी तरह से विफल। कांग्रेस ने रेल हादसे की सीबीआई जांच के लिए सरकार की आलोचना की, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस सेंथिया दुर्घटना मामले में सीबीआई की जांच की थी लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आई आल्सो गिव ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस टू सीबीआई, 12 इयर्स ओवर, नो रिजल्ट। शायते आल्सो आई गिव इट टू सीबीआई, नो रिजल्ट। CBI do the criminal case, but it's the accident case. This is Railway Safety Commission is there. They have to do it fast. We want that people should know the truth. बंगाल के सीएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को 4 पन्नों का एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने 11 बिंदु उठाए और तर्क दिया कि सीबीआई अपराध की जांच करती है, रेल दुर्घटनाओं की नहीं। आपको बता दें, 2 जून को रेल हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।